Hello everyone, this is Kalyani Sahu from MSc 3rd semester and I am going to present the topic on ROS production in electron transport chain. Before going to the topic, we have to know what is electron transport chain and what is ROS. Electron transport chain is a series of four protein complex that couple the redox reaction creating the electrochemical gradients that lead to the creation of ATP in the complete system, which is known as the ATP synthase, and the whole process is known as the oxidative phosphorylation. Means electron transport chain complex 1, complex 2, complex 3 and complex 4 involve karta hai. Electron transport chain mein generally hota kya hai, jaise ki iska naam define kar raha hai, electron transfer hote hain. Hamare सेल में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि क्रेब साइकिल हो गया, फिर पाइरूवेट फॉस्फोराइलेशन हो गया या फिर क्रेब साइकिल हो गया, ये सब प्रोसेस में जनरली हमको NADH, FADH2 और ATP मिलता है. NADH, FADH2 हम जनरली यूज़ नहीं कर पाते डायरेक्टली, वो एनर्जी स्टेट हम यूज़ नहीं कर पाते, तो इसीलिए अल्टीमेटली हमको उन सबको भी ATP में कन्वर्ट करना रहता है. तो कॉम्प्लेक्स 1 या फिर कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र शुरू होता है. कॉम्प्लेक्स 1 में सिर्फ NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स 2 में जो कि सक्सोनेट डिहाइड्रोजनेज कहला जाता है, तो उसमें FADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है. उसमें से अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स 3, देन साइटोक्रोम से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, जिसमें लास्ट वाटर प्रोडक्शन होता है. और इसके चलते हुए कंटिन्यूसली सारे कॉम्प्लेक्सेस में ATP हाइड्रोजन क्या होता है, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप होता है. तो ये कंप्लीट प्रोसेस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है. तो जो भी हाइड्रोजन पंप होता है उसके वजह से ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक हाइड्रोजन का पोल क्रिएट हो जाता है, मतलब बहुत सारे हाईएस्ट अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रहता है, जिसके वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है. और ATP सिंथेस क्या करता है, वो प्रोटीन ग्रेडियंट्स के वजह से हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में H+ आयन को मूव करता है, और उसी एनर्जी को यूज़ करते हुए ATP से ATP का कन्वर्शन होता है, और अल्टीमेटली ATP जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं हमारे सेल में, वो प्रोड्यूस होता है. तो ये सब, ये जो भी प्रोसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें ROS का क्या रोल है? ROS पहले होता क्या है? ROS इज़ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज मतलब जो भी हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज ऑक्सीजन से फॉर्म होता है, उसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोलते हैं. वो O2 माइनस हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, या फिर H2O2 हो गया, या फिर नॉर्मल सिंगलेट ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, सिंगलेट ऑक्सीजन हो गया, या फिर अल्फा ऑक्सीजन हो गया, या फिर हाइड्रोक्सिल अनायन भी हो सकता है एक ROS. तो ये जो भी सब फॉर्म हो रहा है, तो वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये भी पता होना चाहिए. तो ये इधर कॉम्प्लेक्स 1 या फिर कॉम्प्लेक्स 3 में जनरली फॉर्म होता है. तो ये कैसे कैसे फॉर्म होता है, ये हमको कौन कौन से साइट में फॉर्म होता है, ये सब पता चलेगा. तो ROS प्रोडक्शन ETC, ROS प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है? तो ये जो भी प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब होता है, तो ऐसा है नहीं कि कम्प्लीटली 100% एफिशिएंसी के साथ होता है. कोई भी प्रोसेस एनवायरनमेंट में 100% एफिशिएंसी के साथ कैरी आउट नहीं होता. तो इसका क्या होता है, 0.2 से 2% तक, जो भी 2% तक इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि लीक आउट हो जाते हैं नॉर्मल पाथवे से. वो नॉर्मल ETC का पाथवे फॉलो नहीं करते. तो वो जो भी पाथवे होते हैं, वो जो भी इलेक्ट्रॉन लीक आउट कर जाते हैं. और यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास ऑक्सीजन होता है, मॉलिकुलर ऑक्सीजन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भी और मैट्रिक्स में भी मॉलिकुलर ऑक्सीजन होता है. तो वो जो भी इलेक्ट्रॉन लीक आउट होता है, वो मॉलिकुलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. तो जो सुपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, और हमको ये भी पता है यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन पूल होता है, और मैट्रिक्स में भी कंटिन्यूसली ATP सिंथेस पंप करता है हाइड्रोजन को. तो दोनों तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये जो हाइड्रोजन, ये जो भी सुपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, वो अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है. और मतलब जो भी सुपर ऑक्साइड बना, वो भी स्टेबल प्रोडक्ट है एज अ ROS, बट वो मोर स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है.
और ये जो भी प्रोसेस है वो SOD कैटलाइज करता है। तो SOD क्या है? SOD इज द सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, और इसको हम MnSOD भी बोल सकते हैं, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रियल SOD है, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। इसके दो वेरियंट्स होते हैं, वेरियंट 1 एंड वेरियंट 2। वेरिएंट 1 इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में देखा जाता है और वेरिएंट 2 मैट्रिक्स में देखा जाता है, जो कि H2O2 का प्रोडक्शन कैटलाइज करते हैं। और ये जो भी और यहाँ देख रहे हैं हम, और भी बाकी कुछ एंजाइम्स, मतलब को एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यू हो गया, साइटोक्रोम सी हो गया, एक कॉम्प्लेक्स हो गया है, फिर क्यू मतलब यूबिक्यूनन कॉम्प्लेक्स हो गया, इसका क्या रोल होता है? तो ये जो भी सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो साइटोक्रोम जब कॉम्प्लेक्स 3 में होता है तो क्यू साइकिल का एक रोल आता है। तो क्यू साइकिल क्या है? क्यू साइकिल इज अ सिक्वेंशियल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज को एंजाइम क्यू और यूबिक्विनन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये पहली बार पीटर डी माइकल ने डिस्कवर किया था। और ये क्यू साइकिल क्या शो करता है कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स 3 में ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, सब कॉम्प्लेक्सेस जैसे हो गया Fe2 2 FeS, मतलब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स हो गया, या फिर साइटोक्रोम C1 हो गया, या फिर साइटोक्रोम B हो गया, ये सब कॉम्प्लेक्सेस कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते करते यूबिक्विनॉन में जो भी हाइड्रोजन बाइंड होता है उसको कैसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि इनका मेन मोटिव होता है ये देखना कि क्योंकि इस यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है पर यहाँ बहुत लो है, पर ये लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में कैसे मूव करता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे मूव कर रहा है, ये क्यू साइकिल बताता है। तो जो यूबिक्विनन है वो दो स्टेट में रहता है, ऑक्सीडाइज स्टेट मतलब क्यू और रिड्यूस स्टेट मतलब QH2। तो QH2 को हम यूबिक्विनॉल भी बोल सकते हैं, जो कि Q0 साइट से बाइंड रहता है कॉम्प्लेक्स 3 के, और नॉर्मली जो ऑक्सीडाइज स्टेट होता है वो QY साइट से बाइंड करके रहता है। तो पहले क्या होता है कि QH2 मतलब यूबिक्विनॉल रिड्यूस करता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। रिड्यूस कैसे करेगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन देके उसको रिड्यूस करता है, और एक इलेक्ट्रॉन देन वही जो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C1 को भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। और जो भी क्योंकि QH2 में दो हाइड्रोजन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन प्लस आयन भी हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जो भी QH2 है, QH2 एक इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र किया एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन वो हीम BL BH कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र करता है, जो कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्विनोन में ट्रांसफ़र करता है। तो क्विनोन क्या करता है? यूबिक्विनॉन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो सेमी यूबिक्विनॉन मतलब एक रिड्यूस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जब हाइपर ऑक्साइड मतलब जैसे किसी के ऊपर नॉर्मल एक हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हाईली रिएक्टिव बन जाता है। तो ये जो भी सेमी यूबिक्विनॉन है उसको स्टेबिलाइज करने के लिए और एक QH2 का ज़रूरत पड़ता है। तो वो दूसरा QH2 नॉर्मल वही सेम प्रोसेस में पहले एक इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हीम BH BL को देता है, और उसके चलते हुए एक क्योंकि नॉर्मली हमारे मैट्रिक्स में भी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जाके और ये क्विनॉन और दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन नए वाले QH2 के साथ आ गया, तो कम्प्लीटली QH2 एक फॉर्म हो गया, जो कि फिर से वही सेम प्रोसेस होगा। और ये जो दो दिखा रहे हैं ये दो नहीं है, वही सेम कॉम्प्लेक्स में दो बार दो टाइप के हो रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा दिखा रहे हैं सेमी यूबिक्विनॉन उसको कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको कैसे स्टेबलाइज करते हैं, उसको दिखाने के लिए हम दो कॉम्प्लेक्स लिए हैं। तो नेट रिएक्शन में ऐसा देख सकते हैं हाइड्रोजन दो टाइप का हमने यूज़ किया है, एक है एन टाइप का और एक है पी टाइप का। तो पी टाइप मैट्रिक्स टाइप है और एन टाइप इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टाइप है। तो ये दिखा जा रहा है कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ पे दो जा भी रहे हैं और दो यूज़ भी हो रहे हैं, तो इसीलिए नेट तो चार इलेक्ट्रॉन पी साइड से मतलब मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेन साइड में जा रहे हैं, तो ये 2+2 4 हो गया, और दो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसको हम एन से कंसिडर कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्यू साइकिल। देन और ये जो क्यू साइकिल हुआ देन फिर ROS का प्रोडक्शन हुआ। तो ROS का ऐसा मतलब ये है नहीं कि
कम्प्लीटली एक ही साइट पर ही ये आर ओ एस का प्रोडक्शन होता है, या फिर कम्प्लेक्स वन हो गया या फिर कम्प्लेक्स टू हो गया, आर ओ एस का प्रोडक्शन मतलब सुपर ऑक्साइड हो गया या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, ये टोटल 11 साइट पर प्रोडक्शन होता है। 11 साइट मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइट होते हैं कम्प्लेक्सेस के, जैसे कि ओ एफ, पी एफ, बी एफ, ए एफ आर द साइट्स ऑफ टू ऑक्सो एसिड डिहाइड्रोजिनस कम्प्लेक्स, या फिर कम्प्लेक्स वन के आई एफ आई क्यू साइट्स हो गए, कॉम्प्लेक्स थ्री के थ्री क्यू नॉट साइट हो गए, या फिर नॉर्मली जो क्यू पूल या फिर क्यू एच टू साइकिल के आई एफ टू, जी क्यू, ई एफ एंड डी क्यू आर द डिफरेंट साइट्स। तो ये जो भी आर ओ एस का प्रोडक्शन होता है, इसके लिए इसके वजह से कुछ डिजीज क्रिएट होता है क्या? हाँ होता है, हाइपोक्सिया इज द डिजीज। तो हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया मतलब जैसे कि इसका नाम कंसिडर करते हैं, हाइपो मतलब बिलो या फिर लो, एंड ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, तो इसमें लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है। तो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्यों होता है? अगर हमारे बॉडी में जितनी ऑक्सीजन जा रहा है, अगर उससे उसका बहुत सारा हिस्सा सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मेशन में लग जाएगा, जो कि हम कोई यूज़ करते भी नहीं हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो नॉर्मल ऑक्सीजन का डिमांड वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो जो कि हाइपोक्सिया कंडीशन को लीड करेगा। तो ये हाइपोक्सिया कंडीशन में जनरली स्पेशली कॉम्प्लेक्स वन ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो वो क्या होता है, अगर रोटेनॉन या फिर पिरसिडिन जैसे कोई आईक्यू साइट इनहिबिटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को इनहिबिट करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, साइटोक्रोम को या फिर यूवीक्विनोन को इंटरप्ट करते हैं उनके साइकिल में, तो वो क्या होता है, आर ओ एस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और ऐसा देखा गया है कि जब अक्यूट हाइपोक्सिया कंडीशन आता है, वहाँ के उसमें फर्स्ट फ्यू मिनट्स में एट्रियल एंडोथेलियल सेल्स में हाइपो सुपर ऑक्साइड ब्रस्ट देखा जाता है, मतलब वहाँ पे मैक्स टू मैक्स अमाउंट ऑफ हाइपो मतलब सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो पर मतलब ऐसा है नहीं कि बस मतलब कम्प्लेक्स वन में होता है, कम्प्लेक्स टू में, कम्प्लेक्स थ्री में, कम्प्लेक्स फोर में, सब में थोड़ा थोड़ा सा आर ओ एस प्रोडक्शन देखा जाता है, पर कम्प्लेक्स टू में बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट, नॉर्मल कंडीशन में बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का आर ओ एस प्रोडक्शन होता है। बट इन द म्यूटेशन केस या फिर डिजीज केस, जैसे कि देखा गया है कि अगर म्यूटेशन केस होता है रैट स्केलेटल मसल में, उसमें मैक्सिमम मतलब एक्सक्लूसिवली मैक्सिमम प्रोडक्शन आर ओ एस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स टू में हो जाता है, मतलब उसका कैपेसिटी आर ओ एस प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर और जो भी कॉम्प्लेक्स थ्री होता है, कॉम्प्लेक्स थ्री में स्मॉल अमाउंट में होता है, पर जो भी प्रोसेस होता है वो नॉन एंजाइमेटिक होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थ्री का सारा प्रोडक्शन क्यू साइकिल के अंदर होता है। क्यू साइकिल में हमने देख लिया कि कोई भी एंजाइम हमने यूज़ नहीं किया है, हम बस रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन यूज़ करते हैं, पर कोई भी मतलब कोई भी एंजाइम हमने यूज़ नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये कम्प्लीटली एक नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है। और पर इसका क्या होता है, सेमी यूबिक्विनन एक है जिसके वजह से हमको सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन से सिंगल इलेक्ट्रॉन रिलीज जो भी हुआ है उसके साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है। तो और कॉम्प्लेक्स फोर में क्या होता है कि कोई भी इनहिबिटर हो गया, स्टिग्मेटालिन या फिर मिग्जोजियोल, ये सब यूज़ करके हम आर ओ एस का प्रोडक्शन को बंद कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स फोर में बहुत लेस अमाउंट का ऑक्सीजन मतलब सुपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन नेगेटिव स्टेट में रहता है, और यह बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस होते रहते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ऑक्सीजन। तो अब और ये बात होगी कि ये तो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए सुपर ऑक्साइड और भी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में फॉर्म हो गया, पर जो भी फॉर्म हो रहा है उसको, वो तो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो हम उसको डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे? उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे बॉडी में GPX नाम का एक एंजाइम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। GPX मतलब ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज। ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज इसको मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई करके H2O में कन्वर्ट कर देता है। पर अगर कभी मतलब ऐसा तो है नहीं कि H2O2 बस माइटोकॉन्ड्रिया में ही बंद होकर रहे, वो कभी कभी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नॉर्मल एक्टिविटीज़ को हैम्पर करने के लिए चला जाता है, जैसे कि एमिनो एसिड का प्रोडक्शन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, या फिर नॉर्मल कोई भी सेल सिग्नलिंग चल रहा है उसमें इंटरप्ट करता है, उसको मतलब इंटरप्ट करने के लिए, वो H2O2 को डिटॉक्सिफाई करने के लिए पेरोक्सीजोम में कैटलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर ओ एस प्रोडक्शन एंड इट्स डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ H2O2। थैंक यू ऑल।